दिखाया गया है। पंचनाथ की ताजमहल मुख्य तौर पर उत्तराखंड के सहजपुर और उत्तर प्रदेश के बरेली से बताई गई है। इसमें अच्छी क्वालिटी नहीं आती। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में स्मैक माफिया हर चौराहे पे अपनी दुकानें सजा के बैठे हुए हैं। वहां जाके कोई भी आदमी जाके स्मैक खरीद सकता है, उनसे डील कर सकता है। वही सब हमने किया। अपनी 10 दिन की जांच पड़ताल में हमने करीब 2-3 सरगनाओं को कैमरे में कैद किया, जिन्होंने हमें स्मैक की डिलीवरी देने की बात कही, जिन्होंने हमें स्मैक ला के दिखाई, जिन्होंने सारे किया है इस पूरे कारोबार के बारे में, जिन्होंने हमें बताया कि असल में वो कारोबार चलता कैसा है। इसमें सबसे हैरानी की बात है कि नाबालिग बच्चे तक स्मैक के नशे के शिकार हो चुके हैं, जो चोरियों की वारदातों तक वो अंजाम दे रहे हैं। हमारे संवाददाता खुशहाल उस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुशहाल, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, इन अंडरकवर रिपोर्टर का कहना है कि स्ट्रिंग ऑपरेशन उन्होंने किया, उन तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, तो क्या कुछ अहम खुलासे उन तीनों लोगों से हो पाए हैं और क्या ये पता चल पाया है कि इस पूरे मामले का सरगना कौन है, इसे कौन पूरी तरीके से एसोसिएट करता है? मैं आपको बता दूं कि अभी जो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिस स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया था, इसमें तीन लोगों को दिखाया गया है। हालांकि उनका कहना है कि जो संस्था है और जो दूसरी वेब पोर्टल है उनके जो कर्तव्यता है, उनका कहना है कि बड़े स्तर पर कारोबार किया जा रहा है। लगभग 150 ठिकाने अकेले पांवटा नगरी में, जो कि गुरु की नगरी मानी जाती है और सिख धर्म का काफी है वहाँ पे रहता है, तो मतलब उस बड़े पैमाने पर इस तरह से ये किया जा रहा है। उन्होंने जो स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया है और साथ में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि काफी इसमें से हम उनसे बात कर रखे हैं, उनके सामने रखे हैं, स्थानीय लोग रखे हैं। अभी मुख्यमंत्री जीतन सिंह जी भी आए थे तो उनके सामने भी महिलाओं ने ये मुद्दा रखा था, लेकिन पुलिस का तो अपने दर्शकों को बता दें कि तीनों लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, मगर सिंह ने उन लोगों की तस्वीरें जरूर दिखाई गई हैं। और बात हनुमान जयंती